नया गांव रामपुर पंचायत के प्रत्याशी किरण देवी के हार के बाद कार्यकर्ता NS-727 जामकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ईवीएम में गड़बड़ी के कारण हमारे प्रत्याशी किरण देवी को हराया गया है, काउंटिंग में भेदभाव किया गया है, हमारे पंचायत के चुनाव रद्द कर पुनः चुनाव कराया जाए। इस मांग को लेकर किरण देवी के समर्थक सड़क पर उतरकर प्रशासन और सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। कोई एक समर्थक यह भी आरोप लगाया कि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बार बार ईवीएम को खोला जा रहा है, प्रशासन इस वीडियो को पुष्टि करे। यह कहां का है? लोगों का आरोप है कि नया गांव रामपुर ईवीएम को खोला गया, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और जानबूझकर हमारे प्रत्याशी को हराया गया। परेशानी हम लोग के साथ यही हुआ है कि जिस बूथ पे हम लोग वोट दिए हैं वो तो हम लोग का कहाँ गया। 100 वोट हम लोग जनता पब्लिक वहाँ पे वोट किया है और वहाँ पे 5 वोट दिखा रहा है, वो वोट कहाँ गया? चुनाव या तो खा गया, नहीं तो हमारे सरकार खा गया, नहीं तो प्रशासन खा गया, नहीं तो जो वहाँ प्रत्याशी है वो पैसा दिया है और उसके साथ जो जीते हुए प्रत्याशी के साथ अनलीगल किया गया है और जीते हुए प्रत्याशी को हराया। ये चुनाव आयोग का गड़बड़ी है, नहीं तो हमारे देश की। और रामपुर पंचायत के सभी जनता किरण देवी पति नीरज यादव को वोट दिया था, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी करके और दूसरे विरोधी पार्टी को जिता दिया गया। और देखिए हमारे साथ कितने पब्लिक खड़े हैं, सारे के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा।